हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो आज मैं लाया हूँ आपका फेवरेट, काफी वेटेड वीडियो। काफी देर से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एंड्रॉयड 10 आप बताएं क्या इसमें फीचर्स आए हैं। वैसे तो आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, लेकिन ये खास वीडियो है M30S वालों के लिए, क्योंकि M30S पे मेरे चैनल पे काफी वीडियोज हैं और काफी बेहतरीन फोन रहा है। और 2019 का और 2020 का भी मैं कहूंगा, अब तक इससे मुकाबला करने वाला फोन अभी तक नहीं आया है। जिस जिस भाई के पास ये फोन है तो फटाफट कमेंट में लिख डालेंगे, क्योंकि काफी पहले इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत हुई है। तो काफी हद तक मैंने लोगों को शेयर किया है, काफी लोगों ने मेरी एडवाइस लेके फोन खरीदा भी है, और उनका मैं कई दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। और एज सच मेरा कोई सैमसंग से लेना देना नहीं है, मैं अपना अपना एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर करता हूँ। ड्रोन टेक डॉक्टर का मतलब है ड्रोन्स की इन्फॉर्मेशन, टेक जो मैं यूज़ करता हूँ, एंड डॉक्टर आई एम। सो जो कुछ हेल्थ की अपडेट्स आती हैं थोड़ी बहुत, वो भी आती हैं। तो मेनली टेक चैनल है, गैजेट्स से जो भी गैजेट्स मैं यूज़ खरीदता रहता हूँ, यूज़ करता रहता हूँ, और जो मुझे नॉलेज है रिसर्च करके वो मैं शेयर करता हूँ। तो M30S से बहुत इंप्रेस हुआ था, और दिस इज़ माई सेकेंडरी फोन। प्राइमरी फोन मेरा iPhone XS है। स्टिल एंड्रॉयड मुझे चाहिए था, और एंड्रॉयड में OLED डिस्प्लेस के साथ, इतनी अच्छी बैटरी के साथ, इतने अच्छे फॉर्म फैक्टर के साथ यही फ़ोन है। तो आज हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड 10 की। एंड्रॉयड 10 मैंने अपडेट कर लिया है और काफ़ी टाइम से इसको मैंने यूज़ कर लिया है, तभी थोड़ा डिले हुआ है, क्योंकि मैं अच्छे से यूज़ करके देखना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि सच में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसमें अब अवेलेबल हैं और जो आपके काम के हैं, जो आपके मतलब के भी हैं, मतलब द प्रैक्टिकलिटी, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली यूजफुल चीज़ें हैं, वही बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। आप चलते हैं इसके स्क्रीन पे, साथ के साथ हर एक एस्पेक्ट आपका इसका पता लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, 10 फटाफट 10,000 रुपये हमें पहुंचाइए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अपना शुरू हो गया, हमारा अपडेट हुआ हुआ। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास फीचर आते हैं वो आपको मिलेंगे लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन में काफ़ी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक बात आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट में कि इसका जो फीचर है ये ऑलवेज ऑन वाला, वैसे जो इसके हाई एंड फोन्स हैं उसमें आपको हमेशा ऑन रहता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ी देर जब इसको रख देते हैं, देखिए वो गायब हो जाता है। वैसे आइडली होना नहीं चाहिए। तो अब इसने मुझे डिटेक्ट कर लिया तो पूरा लॉक हो गया। तो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी लॉक स्क्रीन में क्या नई चीज़ें आई हैं। लॉक स्क्रीन में जब आपकी स्क्रीन लॉक्ड है तो इसी पर इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहीं से इसको टैप करके, ये देखिए जैसे मैंने ऐप को टैप किया आपको मैसेज दिख गया, और ये मैसेज आप लॉक स्क्रीन में देख सकते हैं कि कौन कौन सा आपको अपडेट आया। और इसके बाद नीचे जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एंड्रॉयड 10 का बहुत ही बढ़िया कमाल फीचर है। इसमें आपको साइंस दिख रहे हैं सारे, टिकटॉक का जो जो मैंने ऐप्स खोली हुई हैं, टिकटॉक हो गया, ये लोकेशन वाला हो गया, शेयरिंग का ऐप हो गया, तो वो चीज़ें इसको यहीं पर मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो इनमें से मैं फटाफट किसी भी ऐप पे जाना चाहता हूँ तो बस मुझे यहीं से क्लिक करना होगा और तुरंत वो ऐप खुल के मेरे सामने आ जाएगी। जैसे मैंने टिकटॉक को किया तो टिकटॉक का साइन आ रहा था, यहाँ पर आपको देख सकता है टिकटॉक का मैसेज आया और माई जियो का आ रहा है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ इन्होंने शुरू की है इसके अंदर, और एक टच से आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये देखिए। तो इसके ये साइड वाला पैनल में ही काफ़ी चीज़ें इन्होंने नई डाल दी हैं। तो स्टार्ट मैंने यहीं से किया है कि इसके लॉक स्क्रीन में काफ़ी नई चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ से आप देखिए सीधा लॉक स्क्रीन में टैपिंग के बहुत बटन आपको मिल जाएंगे। गेस्चर्स जो हैं काफ़ी एडवांस कर दिए हैं। एडवांस गेस्चर में मैंने ऑलमोस्ट सारे गेस्चर्स ऑन किए हुए हैं, तो आप भी जाकर इसको ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे देन यू विल हैव लॉट ऑफ न्यू फीचर्स। जिन्होंने ऑन किया है उनको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं आपको यहाँ पर ही शेयर करके दिखा देता हूँ। जैसे आप अपने मेन स्क्रीन से बॉटम से करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर हैं अपनी ऐप्स को स्वैप कर रहे हैं एंड यू वांट टू गो टू होम स्क्रीन, तो आप लोग बहुत ही सिंपल स्वाइप करना पड़ेगा बॉटम से। जैसे ये स्वाइप करेंगे देखिए मैं होम स्क्रीन पर चला जाऊँगा। सो ये इसका फीचर थोड़ा कन्वीनियंट इन्होंने लगाया, और उसी से हम वापस आते हैं और उसी से बहुत जल्दी वहाँ पर चले जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं इसमें यहाँ पर कौन से खास फीचर हैं। सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे यहाँ पर लगा वो है आपका यहाँ स्लाइडर, जो यहाँ पर आप ला सकते हैं। ब्राइटनेस की आपको काफ़ी दिक्कत होती थी पहले, वो अंदर जाके ही सेट होता था, अब नए एंड्रॉयड 10 में आपके नीचे यहाँ लाइन मिल जाएगी और ये लाइन हमेशा आपको दिखती है। इससे आप अपनी स्क्रीन की, कई बार जो ऑटो स्क्रीन वाला है
काफ़ी लोगों का मेरे को कमेंट आया था कि स्क्रीन वाला थोड़ा ब्राइटनेस का चक्कर पड़ा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन यहाँ पर दे दी है कि आप कभी भी चाहें इसको स्वाइप अप करेंगे तो आपको ब्राइटनेस सीधा यहाँ पर दिखेगी बॉटम में, तो आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस और वो अपने हिसाब से। वैसे ऑटो एडजस्ट मैंने रखा हुआ है तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ इन्होंने मुझे अब लगी है एंड्रॉयड 10 में, वो है यहाँ डिवाइसेस वाला बटन। जैसे इसको दबाएंगे तो आपके यहाँ जो भी इसमें ब्लूटूथ की डिवाइसेस आपने पेयर की हुई हैं वो यहाँ पर बहुत इंस्टेंटली आपको दिख जाती हैं। और फिर उसका फ़ायदा क्या है, वन टच की हुआ है, एक बार आपने पेयर करनी है जैसे आपको टच करना है एंड वो ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगी। अब ये दूर पड़ा है, अगर मेरा यहाँ हेडफोन होता और मैं यहाँ से इसको JBL को टच करता तो एक सेकंड के अंदर ये कनेक्ट हो जाता। तो ये चीज़ बहुत अच्छी की है। स्वाइप ऐप में भी आपको यहाँ पर जस्ट आपको स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा डिवाइसेस बटन, जस्ट यू हैव टू टच एंड यू विल गेट दैट डिवाइस कनेक्टेड, ठीक है। और ऑटो रोटेट शायद पहले भी था तो वो मैंने ऑन किया हुआ है। अब इसमें नया एक आया डार्क मोड आ गया है, डार्क मोड ऑन करते ही आपका ये देखिए डार्क हो जाएगा पूरा आपका फ़ोन एंड इससे आपकी विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है, बट ये फीचर ऑटोमेटिक होता तो काफ़ी अच्छा होता। तो एज सच मुझे ये इसमें नहीं करना क्योंकि हमारे आईफोन में ये बहुत ही ऑटोमेटिक चीज़ है कि जैसे ही रात होती है टाइमिंग सेटिंग हो जाती है उसके हिसाब से आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। अब इसमें एक नया मोड आया फोकस मोड। ये क्या चीज़ है फोकस मोड, एक आपका बेसिकली इन्होंने आपको एक ऑप्शन दे दिया है। कई बार आपको कुछ ऐप्स होती हैं जो आप यूज़ करते हैं वही आपको पसंद है, आप नहीं चाहते किसी और ऐप में घुसने के लिए, तो आप इस फोकस मोड से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आपने वर्क टाइम में कौन सी ऐप्स यूज़ करना चाहते हैं तो वर्क टाइम में आप उसमें डाल के स्टार्ट करेंगे तो फोकस मोड वर्क टाइम में जो आपके वर्क की चीज़ें हैं वही आपकी चलेंगी और बाकी सब ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी। सी अब आपके वर्क टाइम में क्या काम में आता है आपके पास फ़ोन मैसेजेस बाकी सब ब्लैक एंड वाइट हो गया, तो इससे क्या होगा आपकी बैटरी का बैटरी की बचत होगी क्योंकि सब ब्लैक एंड वाइट हो गया, इसके मैसेजेस आपको नहीं आएंगे क्योंकि आप फ़ोन को पता लग जाएगा कि आप काम के क्षेत्र में हैं वहाँ पर आपको आप ऑफिस टाइम में ऑफिस आवर्स में आपको नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली ये फोकस हो जाएगा फ़ोन आपके काम के एनवायरनमेंट की तरफ, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो जैसे ही वो ऑफ करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें कलर्ड फिर से हो जाएंगी, तो ये इसका तीसरा फीचर काफ़ी अच्छा जो मुझे लगा था। चौथा इसका आपका फीचर आया है प्राइवेसी को लेके, जो कि आईफोन जैसी चीज़ों में वो चीज़ें मिलती थी जिसमें अब आपको परमिशन किस ऐप को देनी है आपका डाटा या आपकी एक्टिविटीज़ जानने के लिए वो आप कर सकते हैं परमिशन मैनेजर में जाके। जैसे आप परमिशन मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पर सारी ऐप्स वो खुल जाएंगी जो आपकी डाटा को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप जिस ऐप को चाहते हैं कि वो ऐप मेरी कंज्यूम ना करे मेरा डाटा कंज्यूम ना करे तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। वो फीचर्स आप चाहते हैं अलाउ ना हो, जैसे लोकेशन है आप लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप ये देखिए सारी ऐप्स खुल गई हैं। अब जिस ऐप को आप चाहते हैं कि वो आपकी लोकेशन ना सर्च करे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ये वाली जो ऐप्स हैं अलाउड ऑल द टाइम है तो ये हमेशा जब भी इस पर इंस्टॉल्ड हैं आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करते रहेंगे। और ये जो ऐप्स हैं यूट्यूब ओला ये मैंने तब रखी हुई हैं अलाउड ओनली व्हेन आई यूज़, और ये जो ऐप्स हैं इनको मैंने डिनाई किया हुआ है। तो इनमें से आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि किस ऐप को आप चाहते हैं लोकेशन मिले या ना मिले। उसी तरह आप कैमरा देख सकते हैं 14 को अलाउड है कैमरा, कॉन्टैक्ट्स 14 को अलाउड हैं। तो हर एक जो आपके फ़ोन में क्रूशल डाटा है उसका एक्सेस किस ऐप्स को होना चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सिक्योरिटी वाइज बहुत ही अच्छा फीचर है। और इसके बाद इसमें आपको एक बहुत ही और चीज़ फीचर आपको बताते हैं, वाईफाई शेयरिंग का बटन। अब होता है कई बार आपके गेस्ट आते हैं आपके घर में, आप वो चाहते हैं कि आपका वाईफाई का पासवर्ड उनको पता लग जाए और आप नहीं चाहते कि उनको वो पासवर्ड पता लगे, तो अब इसमें एक स्कैन कोड बन जाएगा, QR कोड बन जाएगा आपके पासवर्ड का। तो वो कैसे बनाना है, तो बस इसमें आपको जाना है वाईफाई सेटिंग्स के अंदर कनेक्शंस, देन ये हमारा चल रहा है वाईफाई, और यहाँ से जब आप इसको जो कनेक्टेड है इसको टच करेंगे अपने कनेक्शन को सेटिंग्स में, तो ये देखिए
नीचे आ रहा है QR कोड, इसको स्कैन करेंगे तो उनके पास पासवर्ड पहुंच जाएगा और उनका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा और आपको पासवर्ड भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है आपके पासवर्ड को सेव करने के लिए। अब इसके अलावा एक फीचर इसमें कह रहे थे कैमरे में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ खास प्रैक्टिकलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, एक आधा फीचर जैसे वो कह रहे थे ऑटो, इसमें बेसिकली आपके जो डेप्थ फीचर है जिसमें पिछली बैकग्राउंड ब्लर हो जाती है वो थोड़ा इन्होंने अच्छा किया है। सो प्रैक्टिकली मैंने इसमें देखा है, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगा। कि व्हाट इज़ माय फाइनल व्यूज ऑन एंड्रॉयड 10 अपडेट, तो ओवरऑल बहुत अच्छा अपडेट है, बट मैं एक सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैं एप्पल यूज़र हूँ, एप्पल जब इस तरह की जब अपडेट देता है एक तो रेगुलरली देता है, वो एंड्रॉयड वालों को कुछ सीखना चाहिए एप्पल से। ये एक फिक्स टाइम है एप्पल का जब नया फ़ोन लॉन्च होता है सितंबर अक्टूबर के बीच में, सितंबर में होता है मोस्ट प्रॉब्ली, तब नए फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर वो डालते हैं, जैसे एंड्रॉयड 10 हो गया, इसमें iOS होते हैं, तो वो iOS सॉफ्टवेयर जो उसमें डलता है उसके एक महीने के बाद हमारे फ़ोन में भी, यानी कि पुराने फ़ोन जैसे 11 लॉन्च हुआ तो 10 वाले फ़ोन में, इवन 8 7 तक के फ़ोन में वो कंपेटेबल होते हैं, तो उन सब में वो ही सॉफ्टवेयर आ जाता है और काफ़ी विजुअल फीचर्स डिफरेंसेस बहुत होते हैं। अब मैंने ये देखा है इसमें आपको विजुअल विजन में देखेंगे तो आपको इतना फ़र्क नहीं पता लगेगा, आप कहेंगे वैसी ऐप्स खुल रही हैं कुछ खास नहीं है, लेकिन बारीकियां हैं जब मैंने इसे आपको बताया तो आप नोटिस करेंगे वो चीज़ें, छोटे छोटे स्लोगन बीच में, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ आप टच करेंगे तो आपका काफ़ा कुछ हो सकता है। तो वो मुझे iOS के हिसाब से अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा इनको लुक वाइज भी थोड़ा चेंज करना चाहिए कि यस थोड़ा पता लगे लोगों को क्या डिफरेंस आया, तो इसमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है तब आपको पता लगता है कि डिफरेंस है। यस पर डिफरेंसेस हैं, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव अपडेट्स हैं जो मुझे पसंद आए। तो सबसे बड़ा मुझे प्राइवेसी का अच्छा लगा, वाईफाई वाला पासवर्ड का QR कोड आपको इसमें मिल जाएगा, ये दोनों दूसरा फीचर। तीसरा जो गेस्चर कंट्रोल है इन्होंने काफ़ी अच्छे दिए हैं, हालांकि सभी इस पे वर्क नहीं करते हैं, फ़ोन का उन्होंने कुछ फंडा तो रखना ही है, जो हायर एंड में गेस्चर्स काफ़ी कुछ कर रहे हैं, इस पे मैंने टेस्ट किए थे 4-5 ही गेस्चर्स चलते हैं, तो दैट इज़ द वन थिंग। तो वो मिड रेंज फ़ोन है, वो थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ इस फ़ोन में नहीं मिलेगा, अगर सब कुछ इस फ़ोन मिलेगा तो हाई एंड फ़ोन कौन लेगा। तो कुछ फीचर्स जो एंड्रॉयड 10 के हैं वो M30s में नहीं चलते हैं, बट 90% फीचर्स जो काम के हैं वो प्रैक्टिकल जो हैं वो इसमें चल रहे हैं। बाकी जहाँ तक कैमरे के फीचर्स में जो अपडेट हुआ है तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा पहले जैसा कैमरा, वो UI के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें एंड्रॉयड 10 आ गया तो ये S20 जैसा कैमरा बन गया, तो दैट इज़ नॉट द थिंग, तो वो आप ना के बराबर समझें, उसमें कोई अपडेट नहीं है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है, तो इट्स अ गुड अपडेट्स जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसको। और एक मुझे फेवरेट फीचर इसमें अगर मैं कहूँ एक जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, वो एंड्रॉयड मतलब iOS वालों ने भी वैसा क्विक फीचर नहीं बनाया, जस्ट आपको यहाँ से जाके स्वाइप अप करके सेटिंग्स में ये डिवाइसेस को टच करना है एंड यू विल गेट ऑल 3 डिवाइसेस, बस आपको टच करना है एंड यू आर कनेक्टेड। सो ये इंस्टेंट, क्योंकि आज सबके पास ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन्स ईयरफोन्स हैं स्पीकर्स हैं, दे वॉन्ट टू कनेक्ट इंस्टेंटली, तो एंड्रॉयड 10 में ये चीज़ बहुत अच्छी आई और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो, इसके अलावा कुछ मेरे से छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ खास फीचर आप चाहते हैं कि सबको पता लगे, हमारी अब 10,000 की फैमिली होगी तो काफ़ी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता ही है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसको शेयर कर दूंगा। और घर पे रहें, सेफ रहें, कोरोना वायरस से बच कर रहें। जय माता दी।